हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर साइंस इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, आपको भ्रमित करना इतना आसान नहीं है। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आपको भ्रमित करना इतना आसान नहीं है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, सर्विस, परस्यूरेंस, गिल्ट, डेस्टिनी, रिकवरी, इम्पेशंस। ओके, रिजेक्शन, सोलमेट, रिलीज, पैसन एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास सेल्फ हेल्प। नाइस, ओके। बॉटम टू टेक हमारे पास है आइसोलेशन। तो यस, सही कहा है आपको, भ्रमित करना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है जो कार्ड कह रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में रिजेक्शन भी देखा है, एक्सेप्टेशंस भी देखा है और एक्सेप्टेंस भी देखा है। तो ज़रूर यहाँ आपने अपने जीवन में हर तरीके के आवागमन यानी सुख दुख ज़रूर देखे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। आपके पास्ट की बात की जाए तो आप पहले ऐसे नहीं थे, आपको कोई भी इल्यूजन में डालकर अपना फ़ायदा लेता था या अपने मतलब से जोड़ता था, ये बात आप भी जानते हो। कहीं ना कहीं इमोशनल वाइज आप बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हुए, ये बात भी आप जानते हो। इमोशनल वाइज लोगों के साथ अटैचमेंट से जुड़ने की वजह से आप हर तरीके से भ्रमितता में जिए यानी इल्यूजन में जिए, और इल्यूजन में जीते जीते आपने कुछ ज़्यादा ही साल निकाल दिए या कुछ ज़्यादा ही महीने निकाल दिए या कुछ ज़्यादा ही दिन निकाल दिए, ये शायद आप भी अभी मानते हो। लेकिन जब से आपको होश आया है, अपने आप को संभाला है, तब से लेकर आप आज तक आप कभी भी भ्रमित दूसरों की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर नहीं हुए हो, ये ज़रूर है। बाकी पास्ट में आपकी बात की जाए तो पास्ट में आप लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जल्दी भरोसा कर लेते थे। आपका एक सोचने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सटीक और प्योर था, बहुत ज़्यादा ही। सामने वाला इंसान कुछ अलग ढंग से सोच सकता है या मेरे लिए कुछ बुरा सोच सकता है या उनके मतलब से सोच सकता है, ऐसा आप कभी नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं। आपको अभी कुछ चीज़ों का बिल्कुल पछतावा है अभी हाल फिलहाल, लेकिन पास्ट में आप कभी भी किसी भी चीज़ को ना मिलने की वजह से गिल्ट नहीं करते थे, अफसोस नहीं करते थे, सिर्फ लेट गो कर देते हैं, ये आपका स्वभाव था। आप अपने आप को रिकवर भी कर लेते थे और कभी कभी पेशेंस आपका जल्दबाजी में बदल जाता था, ये आप जानते हो। अब अभी की बात की जाए तो आपको भ्रमित करना इतना तो आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। अभी आप हर एक चीज़ को लेकर प्रिपेयर हो, तैयार हो। आप अपने रिजेक्शन को लेकर भी तैयार हो कि कोई मुझे रिजेक्ट करता है तो मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगी। इसके लिए मुझे उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप में पता है मैं क्या हूँ, तो मुझे उनके सामने अपने आप को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको रिजेक्शन का डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप जिन लोगों के साथ अब जुड़ते हो
उनके साथ आपके काफ़ी मज़ेदार रिश्ते हैं, और यहाँ विश्वास की बात नहीं है, लेकिन आपको सामने वाला पर्सन भ्रमित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका ख्याल, इसका ध्यान बिल्कुल है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे और फ्रूटफुल रिश्ते में बंधे हुए हो। आपके फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो आपको हमेशा एक प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं मॉरल तरीके से, और कहीं हद तक आप कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट महसूस भी करते हो, तो आपके अपने लोगों का इसमें भी सपोर्ट कहीं ना कहीं रहता है, वो ज़रूर है, क्योंकि अब आप इस तरीके के लोगों को पसंद करते हो जो सच में आपके लिए कुछ करते हैं, या उनकी एक अच्छी भावनाएं है वो आप ज़रूर देखते हो। कहीं से भी आपको लगा कि ये इंसान सिर्फ मेरे साथ फ़ायदे के लिए बातचीत कर रहा है, तो आप तुरंत उसके जीवन से साइड हो जाते हो, फिर एक ऑन द स्पॉट आपका डिसीज़न होता है, और इसके लिए आप पूरी तरीके से क्लियर कट हो। यहाँ डेस्टिनी एंड रिलीज, जो मैंने कहा, जिसको छोड़ देना है उसको छोड़ ही देना है, जिसे साइड हो जाना है उसे साइड ही हो जाना है, जिसको अपने जीवन से रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ ही करना है, फिर सोचना नहीं है कि इसको अभी मैं रखूँ, उसके बाद उनके साथ दोस्ती तोड़ूंगी, फिर उसके साथ फिर से बॉन्डिंग कर लूँगी, ऐसा आपके दिलो दिमाग में अब नहीं आता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये एक लालच से, बुरी भावना से, या अपनी आदतों से, या अपने मतलब से जुड़ा है, तो फिर मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप जानती है, जिसके चलते आप बहुत ही आसानी से किसी को भी साइड करते हो, और जो आपको सही लगता है उसमें आप आगे बढ़ते हो, और इस वजह से आपकी डेस्टिनी अभी हाल फिलहाल आपको लगता है कि मेरा वक्त मेरे साथ चल रहा है, मेरी डेस्टिनी मुझे सपोर्ट कर रही है। पहले भी आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती थी, समय पहले भी आपको सपोर्ट करता था, लेकिन तब आपके आचार विचार बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही अलग थी, और अभी के जो हालात, अभी के जो आपके आचार विचार है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। वक्त वही होता है, डेस्टिनी भी वही होती है, लेकिन हम अपने आप को अलग तरीके से देख रहे होते हैं। अब आपने अपना नज़रिया बदला है, तो आपको हर तरीके से लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं अपने आप में रिकवर हो रही हूँ, मैं अपने आप में बहुत कुछ पा रही हूँ, मेरा एक पैसन नज़र आ रहा है, मेरा अपने आप के लिए पैसन नज़र आ रहा है, मेरा अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है। आपका एक सेल्फ अतिसो जो आपको कहीं ना कहीं डराता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं डर जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचेगा, मैं तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छा ही करती हूँ, फिर भी सामने वाला पर्सन ने कुछ और ही मुझे मान लिया, सोच लिया, इस तरीके की आपकी सोच थी, और आपने अपने आप को बिल्डअप किया है, अब आपने अपने आप को प्यार करना सीखा है, अपने आप की अहमियत को जानना सीखा है। जब से आपने अपने आप की अहमियत ज़्यादा बढ़ा दी है, तब से आपके जीवन में जो भी आपके सेल्फ इशू थे वो पूरी तरीके से बेदखल हो चुके हैं, निकल गए हैं, और आपने अपने आप को और ज़्यादा जानने की कोशिश में आप अब आगे बढ़ रहे हो कि आपके अंदर कौन कौन सा हुनर है, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, अपने आप की खोज कर रहे हो, ये ज़रूर है। इस वजह से आपका पैशन बढ़ रहा है, आप जो इन पैशन की एनर्जी में थे वो पेशेंस आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि रिकवर हो रहा है, क्योंकि तीनों कार्ड का एक कनेक्शन, एक क्लैरिफिकेशन है। तो यस, यहाँ ये तीनों कार्ड की एनर्जी आप ध्यान से देखो तो रिकवरी, इम्पेशेंस एंड सेल्फ वर्थ यही दिखाते हैं कि आपने अपने आप को पेशेंस से, आपको जरूर आ गया है पेशेंस रखना। यहाँ आइसोलेशन का कार्ड लास्ट आया है, इसका मतलब ये होता है कि अब आप अकेले भी खुश रह सकते हो, आप अपने आप में जिंदा दिल तरीके से अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सकते हो, ये विश्वास आपका आ गया है। तो यहाँ
भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब भ्रमित होने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को ही जान लिया है। आप एक रिजर्व पर्सन बन चुके हो अपने आप में। और क्या है, चले देखते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। करेज पॉपअप हुआ है, कॉम्प्रोमाइज। अब आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करोगे। पास्ट लाइव्स, बहुत कुछ सीखे हो पास से। ब्रेक थ्रू, राइटनेस एंड प्लेफुलनेस। ओके, तो इस एनर्जी से तो आप बाहर ही हो। दिसोर सोर्स हीलिंग, न्यू विजन एंड लास्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। वेरी नाइस, प्लेफुलनेस और फ्रेंडलीनेस की एनर्जी बहुत ही बेहतरीन आई है। सप्रेशंस, अब आपको सप्रेशंस का डर नहीं है कि चाहे वो इंसान मेरे लिए कुछ भी सोचता हो, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं अपने आप में क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, ये मुझे पूरी तरीके से पता है, तो मुझे किसी को क्लियरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग में अब आ गया है, जिसकी वजह से पास्ट में जो भी गलतियाँ की है उसको लेकर, जो पास्ट में आप भ्रमित हुए थे, इल्यूजन में रहे थे, लोगों ने आपको भ्रमित किया था, इल्यूजन में डाला था, और बार बार इल्यूजन में डालकर आपके इमोशंस के खिलवाड़ किया, आपके मेंटली आपको डिस्टर्ब किया, आपको हर तरीके से डिस्टर्ब करने की उनकी कोशिश जो रही, इससे अब आप बाहर निकल चुके हो, क्योंकि ब्रेक थ्रू है। आप सारी जंजीरें तोड़कर, लोगों के इल्यूजन में ना फंस कर इससे बाहर निकल आए हो, ये ज़रूर है। इस वजह से आपका हर तरीके का जो कार्ड आया है, न्यू विजन, राइपनेस, प्लेफुलनेस एंड फ्रेंडलीनेस, मतलब आप अभी अपने जीवन में फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़े हो, नए विजन से आगे बढ़े हो, एक नई उम्मीद के साथ, नई तरीके से खिलने की कोशिश आपकी बढ़ रही है, हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अभी के मोमेंट को, बहुत ही ज़्यादा दोस्ती, दो हर एक इंसान के साथ हमें अच्छी तरीके से बातचीत करना है, एक फ्रेंडलीनेस दर्शाना है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हो। तो अभी आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान बन चुके हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपकी समझ अब काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी और बेहतरीन हो गई है। कॉम्प्रोमाइज़, पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे, क्यों, क्योंकि आपको लगता था कि ये जो मेरा फ्रेंड है उसके साथ मैंने हाँ नहीं बोली या उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा या मुझसे बातचीत करना बंद कर देगा, इस तरीके से आप सोचते थे, जिस वजह से आप अपने ही, आपकी मर्जी ना हो फिर भी आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, उनकी बातों में आ जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था मैं अकेली रह जाऊंगी या अकेला रह जाऊंगा, इस तरीके से आप महसूस करते थे, जो सच में अब वो नहीं रहा है। आप अपने आप में जान चुके हो कि मैं जहां पूरी तरीके से राइट हूं वहां मुझे अड़क से खड़े रहना है, मुझे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये जो सोर्स आपको मिला है आपके समझ से, वो वाकई में बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से अब आप किसी के भी उलझन में फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, और आपको भ्रमित करना अब बिल्कुल भी आसान, दुश्मनों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, या किसी भी तरह से कोई भी लोगों के लिए इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप अपने पास्ट लाइफ से अपने हर तरीके के जंजीरों को तोड़कर अपनी एक हीलिंग की एनर्जी में आए हो, जो बीच में कार आया है, तो डेफिनेटली आप अब पूरी तरीके से हील हो रहे हो। अपने अपने पास से अपनी प्रेजेंट को
अच्छा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पास से आप बहुत कुछ सीखे हो कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ही इल्यूज़न में जीते हैं। दूसरों के कहने पर जीते हैं, दूसरे के मानने पर जीते हैं, दूसरों के साथ एक रिश्ता निभाने के लिए जीते हैं। कहीं ना कहीं हमारा अपना पोर्टफोलियो या अपना फाउंडेशन कहीं हद तक नहीं होता है, ये आप जान चुके हो। इस वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके जीवन में हर तरीके की खुशियाँ आपकी खुद की वजह से है, ये आप जान चुके हो। सेपरेशन, अब आपको जो मैंने कहा सेपरेशन का तो बिल्कुल भी डर नहीं है, जो मुझे छोड़कर जाएगा वो पूरी तरीके से पछताने वाला है, ये आप जान चुके हो। यह रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।